स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू प्लस मेरा नाम है दुर्गेश नंदनी एंड आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटेड ऑन दिस चैनल लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी मैंने आपको बताया था कि वही कंपाउंड एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है जो कि चार रेस के राउंड्स पार कर लेता है वही एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है पहला राउंड था कि मॉलिक्यूल होना चाहिए साइक्लिक इन नेचर दूसरा उस साइकिल में हर आटम होना चाहिए एस पी टू हाइब्रिडाइज तीसरा कि वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए जो कि था फोर एन प्लस टू पाई का रूल और चौथा कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेन स्ट्रक्चर ये तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की बात हो गई पर एग्जाम में क्या आते हैं आपको आइडेंटिफाई करना आता है एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक और नॉन एरोमैटिक में अब बाकी चीजें क्या है वो हम इस सेशन में विद इन फिफ्टीन मिनट सीख लेंगे चलिए तो बच्चा सबसे पहली कंडीशन किस चीज की देखनी है साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जिगेटेड चाहे हम एरोमैटिक की बात करें चाहे एंटी एरोमैटिक की फर्स्ट थ्री कंडीशंस रहती है सेम साइक्लिक

टू इलेक्ट्रॉन्स फिर उसमें मैं प्लस फोर प्लस फोर ऐड करती जाऊंगी जैसे कि सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे को सारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं वही एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है सिमिलरली अगर वो ये रूल नहीं इंस्टेड वो फॉलो करता है फोर पाई इलेक्ट्रॉन रूल मतलब अगर वो फॉलो करता है कौन सा फोर की टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि अगर उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स है एट इलेक्ट्रॉन्स है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स है सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स है एंड सो ऑन अगर किसी मॉलिक्यूल में फोर की टेबल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हो जाता है एंटी एरोमैटिक मॉलिक्यूल एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले एरोमैटिक की लास्ट क्लास में सिखाया था बेंजीन सब कुछ साइक्लिक है सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं प्लेनर स्ट्रक्चर है चौथा थ्री पाइबॉन्स विच इज इक्वल टू सिक्स इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब तीन बॉन्ड में होंगे छह इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा हो गया सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड देखिए नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में फिर से थ्री पाईबॉन्स है साइक्लिक मॉलिक्यूल है क्लीनर मॉलिक्यूल है सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये बताइए कि जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर लगा हुआ है यहाँ विल पार्टिसिपेट इन दी एरोमैटिसिटी नहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेगा क्यों लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि जब भी किसी एटम से जैसे कि एक्स ले लिया मैंने उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और साथ ही में डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड लगी हुई है तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता एरोमैटिसिटी में बट अगर वो इलेक्ट्रॉन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है

आपका एंटी आरोमैटिक हो रहा है, आपका? हो रहा है। जा आपको जाननी की एंटी एरो बच्चा वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड एक्सट्रीमली मतलब जो एरोमेटिक होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल वेरी स्टेबल कंपाउंड्स ये चीज जानी बेहद जरूरी है एरोमेटिक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत चीजें पढ़ने वाले हो आप इतनी चीजें पढ़ोगे कि हजारों चीजों पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की बट द टॉप मोस्ट जो हायरार्की है उसकी टॉप हायरार्की में कौन बैठता है आपका एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक आर द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स सिमिलरली एंटी एरोमेटिक आर द लीस्ट स्टेबल सबसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं अंडरस्टूड द कांसेप्ट बिटवीन दीस टू थर्ड आता है पॉइंट आपका नॉन एरोमेटिक का अब एरोमेटिक समझ गए

एरोमैटिक और एंटी एरोमैटिक में तीन कंडीशन सेम रहती है मॉलिक्यूल होता है साइक्लिक दूसरी कंडीशन सारे एटम्स उस साइकिल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड तीसरी कंडीशन प्लेनर स्ट्रक्चर जब वो हकल रूल फोर इन प्लस टू पाई रूल फॉलो करता है तो एरोमैटिक एक्सट्रीमली स्टेबल और जब वो फोर इन इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो वो अनस्टेबल मतलब या तो वो साइक्लिक नहीं होगा या फिर उसमें सारे आटम्स नहीं होंगे या फिर वो प्लेनर नहीं होगा वो सब हो जाते हैं नॉन एरोटिक ठीक है तो अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करी जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके एरो उसके बाद आते हैं आपके नॉन एरोमैटिक, नॉन एरोमैटिक एंड लास्ट में आता है आपका एंटी आई होप तक चीजें क्लियर है आगे चलते हैं आगे बच्चा स्टेबिलिटी ऑर्डर की और बात करें तो जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने है इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि ये साइक्लिक है नेक्स्ट चीज सारे आटम्स ये आइटम ये आइटम डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ये

ज योर एंटी एरो होते हैं बहुत अनस्टेबल यहाँ पे यही लिखा है कि जो साइक्लोपेटाइना अनस्टेबल है ड्यू टू एंटी एरो एग्जाम्पल देख लीजिए ये सारे कंपाउंड आपको दिखेंगे कि ये साइक्लिक है सभी कंपाउंड में आइटम सारे के सारे एसपी टू हाइब्रिडाइज है

अब जो एंटी है ये कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए आपको बहुत अच्छे समझ आएगा जैसे कि यहाँ पे एजरीन का एग्जाम्पल है एजरीन में क्या हो रहा है ये है मेरी बॉन्ड और ये है मेरी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे लगे हुए अब मुझे ये बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस एरोमेटिसिटी में यस yes, बच्चा ये एरो में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था जब भी कोई एटम के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो एरो में फॉर श्योर पार्टिसिपेट करता है तो ये करेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम वन पाई बॉन्ड वन लोन पेयर तो ये कैसा है मेरा ये है मेरा एंटी आरोमेटिक ये इतना अनस्टेबल है कि ये कभी बनता ही नहीं है नेवर ऑब्जर्व अनस्टेबल का क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते सिमिलरली नेक्स्ट 2H एज़िरिन की बात करते हैं इसमें होता है कि 5 बॉन से नाइट्रोजन लगा है जिसके पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है अब क्या ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये लोन पेयर कैसे आतम से लगा हुआ है ये x से लगा है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो जब भी लोन पे ऐसे आइटम से है जिस जो कि मल्टीपल बॉन्ड से भी लगा होता है डायरेक्टली वो कभी भी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता इसीलिए दिस इज इस वंस अगेन अ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम या टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम व्हिच मींस दिस इज एरोमेटिक ये बहुत स्टेबल होता है क्योंकि ये कैसा हो गया ये हो गया एरोमेटिक

के फॉर्म करता है। है? इसका क्या मतलब है? हम सीखते हैं इस एग्जाम्पल से मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंपाउंड है मैंने दो जगह लगा दी ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम क्या है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बाकी की दो जगह मैंने लगा दी हाइड्रोजन ठीक है अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ लगी है अब मैंने क्या किया इनकी पोजिशन चेंज कर दी यहाँ पे देखिए जो ड्यूटेरियम है वो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से लगी हुई है अब यहाँ पे वही सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन से लगी है अब यहां पे क्या है ये बच्चा ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये एकदम अलग है समझे हो दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट अदरवाइज जब हम बेंजीन की बात करते हैं जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो बेंजीन में चाहे मैं क्लोरीन ये बेंजीन है विच इज अ एरोमैटिक मॉलिक्यूल बताया था सिक्स बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एरोमैटिक अब यहाँ पे क्लोरीन मैंने चाहे डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो क्लोरीन लगाई हैं इस प्रकार से चाहे मैंने सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे दो क्लोरीन लगाई हैं बच्चा ये दोनों इक्वी है इनमें कोई फर्क नहीं है ये दोनों इक्विवेलेंट है चाहे मैं इधर क्लोरीन सगाऊं चाहे मैं इधर क्लोरीन लगाऊं एक ही बात है दोनों साथ-साथ में है कार्बंस के राइट मैंने उनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा एक इस कार्बन पे है और इसके एकदम बाजू वाले कार्बन पे है तो चाहे मैं इस प्रकार लगाऊं चाहे इस प्रकार लगाऊं चाहे मैं कान इधर से पकड़ूं इधर से पकड़ूं एक ही बात है पर किस केस में एरोमैटिक हो जाता है वहां पे ये दोनों मोलिक्यूल सिमिलर नहीं रहते The double in are not delocalized. इसका क्या मतलब है कि जो कंपाउंड्स है इसमें जो डबल बॉन्ड्स है ना ये घूमती रहती है ये बच्चा ये फॉर एग्जाम्पल ये वाली इधर चली जाएगी ये वाली इधर चली जाएगी ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। मतलब कि ये एक पोजिशन पे स्टेबल नहीं है ये पूरे मॉलिक्यूल में घूमती रहती हैं इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन क्या बोलते थे बोलते हैं इसको बोलते हैं डेलोकलाइजेशन ये डबल बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड घूमती रहती है तो चाहे दो क्लोरीन इस इधर लगाओ इधर लगाओ सेम बात है क्योंकि उसमें हम ऐसे सर्किल बना के बेंजीन में लिख देते हैं इसका मतलब है कि सारे ही कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं तो सारी पोजीशंस क्या है इक्विवेलेंट है बट ये कंडीशन साइक्लोब्यूटाडाइन जो कि एंटी एरोमेटिक एरो फॉलो नहीं होती मतलब कि यहाँ पे ये बॉन्ड्स घूमती नहीं है ये जो सिंगल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगी जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड रहेगी और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड कैसी होती है लॉन्गर होती है और डबल बॉन्ड कैसी होती है शॉर्टर होती है ये तो हमें पता ही है है ना इसीलिए ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि सिंगल बॉन्ड लंबा है एंड डबल बॉन्ड छोटा है समझ गए

कि ये नॉन आरोमैटिक है क्यों क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल इससे क्वेश्चन आता है हर ऑल्टरनेटिव कि इस मॉलिक्यूल में स्पेशल मॉलिक्यूल है कि इसकी जो ये दो हाइड्रोजन लगी है ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करती है टकराती है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में होता है बच्चा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है ट्विस्टेड तो इसीलिए ये बन जाती थ्री डी स्ट्रक्चर अब ये 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 प्लेनर प्लेनर नहीं 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 रही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रहा रहा हो हो गया गया ट्विस्ट अब जैसे इसने प्लेनारिटी लूज कर दी ये हो जाता है आपका नॉन आरोमेटिक कंपाउंड ठीक है अब सिमिलरली अगर मैंने ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा दी और इसकी जगह इस प्रकार से सी एच टू ब्रिज पे लगा दिया अब इसके पास बॉन्ड्स काउंट करो कितनी है फाइव बॉन्ड्स है अब ये जो फाइव बॉन्ड्स है क्या हो जाती है फिर से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया इज योर एरोमेटिक सिस्टम अब यहां पे कोई दो हाइड्रोजन सही है बीच में टकराने के लिए जिसके स्ट्रक्चर को ट्विस्ट कर दे तो ये एरोमेटिक रहता है तो इन दोनों में से कोई स्टेबिलिटी पूछेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है रादर देन दैट कंपाउंड इवन दो दोनों के पास कितनी है फाइव पाई बॉन्ड्स हैं ठीक है चलो अब बाकी और के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी की सारी बॉन्ड्स आपको एरोमैटिक दिखेंगी और ये सभी के सभी क्या है प्लेनर स्ट्रक्चर है सभी प्लेनर है इसीलिए ऑल दीस थ्री आर एक्चुअली एरोमैटिक कंपाउंड्स कैसे हैं ये एरोमैटिक ठीक है सारे के सारे प्लेनर है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन -टे का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे साथ है ना गिनो की ये साइक्लिक है सारे आटम्स कैसे हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो फोर पाई बॉन्ड्स है फोर पाई बॉन्ड्स विच मींस दिस इज अ 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस एंटी आरोमैटिक वेरी अनस्टेबल इजंट इट बट ये वाला अनस्टेबल नहीं होता क्यों क्योंकि अगर ये अनस्टेबल होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपकी और मेरी तरह मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि हम अनस्टेबल हो जाए और एग्जिस्ट ही ना करें एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू एग्जिस्ट अब क्योंकि ये चाहता है कि मैं एग्जिस्ट करूं तो ये क्या करता है ये अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देता है और इस प्रकार का टब शेप स्ट्रक्चर बन जाता है अब क्या है ये नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर है वो सेम ही मॉलिक्यूल

तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर पाता है समझ गए तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि साइक्लो टेट्राइन किस प्रकार का मॉलिक्यूल है तो आंसर होगा नॉन एरोमेटिक क्योंकि वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर देता है ठीक है आगे चलते हैं सिमिलरली इसके थोड़े वेरिएशन देखो वेरिएशन आ सकते हैं एग्जाम में सारे वेरिएशन आपकी टीचर कराएगी आपको अब देखो यहाँ पे जो वेरिएशन है यहाँ पे क्या है अब मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड की जगह दो इलेक्ट्रॉन लगा दिया अब मेरे साथ काउंट करो ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया? तीन तो है, और बाकी के दो लोन है। इसका मतलब इस इस टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं हमें पता है मैम ये तो हो गया। अब क्योंकि ये टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन के ये अब अपनी प्लेनारिटी लूज नहीं करेगा क्योंकि मैं तो बहुत स्टेबल हो रहा हूँ प्लेनर रह के तो मैं तो प्लेनर ही रहूंगा ठीक है सिमिलरली ये वाला स्ट्रक्चर देखो ये नॉन प्लेनर मैं यहाँ से हटा रही हूँ ताकि यू कैन सी दिस बेटर ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बाकी दो जगह मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिए नाउ काउंट द नंबर ऑफ पाइबॉन्स थ्री पाइबॉन्स विच मींस नाउ दिस इज अ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें पता है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज वंस अ एरोमेटिक सिस्टम ये फिर से क्या है मेरा एरोमेटिक सिस्टम है तो ये भी मेरा एरोमेटिक सिस्टम हो गया अब ये क्या प्लेनरिटी लूज करेगा नहीं ये प्लेनर ही रहेगा क्योंकि प्लेनर है कि मैं एरोमेटिक बन रहा हूं वो कब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आप देखोगे प्लेनरिटी तब लूज करते हैं जब वो एंटी एरोमेटिक बन जाते हैं सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन था ये वाला जो मैंने बताया जो हर साल पूछते हैं कि ये बच्चा है तो एरोमेटिक बॉन्ड्स गिनने के बाद बट इनकी हाइड्रोजन बीच में गड़बड़ी कर जाती जिसकी से ये बन जाता है बाकी तब शेप तभी लेता है है जब वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है। अब वो चाहता है कि यार मेरे को तो एग्जिस्ट करना है एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबल अनस्टेबल मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बट वो चाहता है मैं एग्जिस्ट करूं तो वो प्लेनारिटी अपनी लूज कर देता है बाकी दोनों नहीं करते क्योंकि वो क्या हो रहे है

सिमिलरली ऑक्सिपिन ऑक्सिपिन वंस अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे इन ये भी होंगे, तो ये फिर से कितना बट क्योंकि लूज कर देता है ये नॉन प्लेनर बन जाएगा जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों के दोनों मॉलिक्यूल होंगे आपके नॉन एरोमेटिक याद रखना ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं नॉन रोमेटिक है क्योंकि ये अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देंगे तो जैसे ही कार्बन का नंबर हो जाता है छह से ज्यादा सात आठ नौ याद रखना वो वाले कार्बन क्या कर सकते हैं हैं प्लेनर स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकते नॉन प्लेनर शेप ले लेंगे ठीक है चलिए आगे नॉन एरोमेटिक हुआ अब सिमिलरली ये क्या है कंपाउंड साइक्लॉक्ट अभी मैंने बताया कैसा था ये कंपाउंड ये कंपाउंड था मेरा मैम नॉन एरोटिक था कि नहीं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था क्योंकि ये कैसा था टब शेप स्ट्रक्चर था था कि नहीं अब टब शेप स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शंस कैसे देता है सिंपल एल्कीन वाली रिएक्शंस देते हैं जैसे एल्कीन होती है डबल बॉन्ड रहती है कि नहीं इस प्रकार से ये मेरी एल्कीन है एल्कीन के एक बड़े फेमस रिएक्शंस होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ एडिशन रिएक्शन क्या बोलती हूँ एडिशन रिएक्शन मतलब कि कोई मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड है, है ना जैसे ये सी 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 यहाँ पे क्या होता है ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है और दो मॉलिक्यूल्स यहाँ के लग जाते हैं तो जो भी एडिटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो डबल बॉन्ड पे आगे जुड़ जाते हैं इनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस तो सिमिलरली नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स भी लाइक एल्कीन्स लाइक एल्कीन्स कैसे रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शंस देते हैं एडिशन Reactions. ये चीज याद रखनी है आपको ठीक है अब जैसे कि का एडिशन करवाया मैंने यहां पे क्या होगा एक बी आर इस बॉन्ड पे जुड़ गया एक बी आर इस बॉन्ड पे जुड़ गया इस प्रकार से एडिशन रिएक्शन आपका हो गया जो एक नॉर्मल एल्कीन में देखने को मिलता है कोई भी डबल बॉन्ड पे लगा दो वहां पे इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे सेम डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं याद रखनी है ये चीज

हम कहाँ पढ़ते हैं पिरोडिक टेबल में अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करके रखे जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अब हमें देखना है कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे कि नहीं होंगे एरोमेटिसिटी में तो हम ऐसे देखते हैं ये देखा अब मैंने वो डबल बॉन्ड तोड़ दी

चलो ये स्टेटमेंट एक प्रकार से हम एक्चुअली 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 इसको सही भी बोल सकते हैं एक प्रकार से सही कैसे बोल सकते हैं कि ये वाले भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं अभी तो केवल ट्रोपोलॉन की बात कर रहा है।, है ना तो एक प्रकार से ये सही है पर वो जो आठवां पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे टू आंसर दिस है तो इसमें आठ पाई क्योंकि इसमें थ्री पाई बॉन्ड दे रही फोर्थ पाई बॉन्ड दे रही एट पाई इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक भी है कैसा एरोमेटिक भी है ट्रू बट जो कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऑक्सीजन पे चले गए यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एरोमेटिसिटी में ये है ना कार्बोनिल डबल बॉन्डो क्या बना दिया इसको बना दिया सी ऑक्सीजन पे गए नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज राइट तो कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एरोमेटिसिटी में कार्बोनिल वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट दिस इज हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन चलिए आगे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ये सिमिलर स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनकी एरोमेटिसिटी कैसे दिखते हैं अब आपके लिए क्वेश्चन है मुझे बताना है लेट्स नेम दिस ए लेट्स नेम दिस बी मॉलिक्यूल लेट्स नेम दिस सी मॉलिक्यूल तो ए बी सी की आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा एरोमेटिक है

ऐसी टीम से आपको लगातार पढ़ना है लगातार क्वेश्चन और भी चाहिए और भी सॉल्व करने हैं सो देर इज अ वे टू डू दैट द वे टू डू दैट इज टू बी अ पार्ट ऑफ द रैंकलेस टीम क्या करना है आपको केवल और केवल इस नंबर पे कॉल करना है विच इज नाइन डबल वन सिक्स थ्री डबल जीरो थ्री डबल जीरो जहाँ पे आपको सारी एडमिशन क्वेरीज मिल जाएंगी कि आपको बाकी के और क्वेश्चंस करने हैं हर रोज एरोमेटिसिटी जैसे छोटे टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी हर अप्रोच जाननी है सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको लेक्चर कैसा लगा और क्वेश्चन के आंसर भी देना मत भूलना थैंक यू